हाल ही में नीपा वायरस ने भारत में दस्तक दी है। केरल राज्य में नीपा वायरस के काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि जानवरों के जरिए इंसानों में फैलने वाला ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश में इसका इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बचाव के जरिए ही इस वायरस से बचा जा सकता है। आपको बताते हैं कि नीपा वायरस कैसे और कितनी तेजी से फैलता है। नीपा वायरस कुत्ते, बिल्ली, सुअर, बंदर, चमगादड़, घोड़े और बकरी जैसे जानवरों के जरिए फैलता है। जब ये जानवर संक्रमित होते हैं तो इनके खाए भोजन के संपर्क में आने से वायरस इंसानों तक फैल जाता है। संक्रमित जानवरों के खून, लार या यूरिन के संपर्क में आने से ये वायरस दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित व्यक्ति से भी दूसरे व्यक्ति में ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित मरीज की देखभाल करने वाले लोगों को भी ये वायरस अपना शिकार बना सकता है। अगर कोरोना वायरस की तुलना की जाए तो उसके मुकाबले नीपा वायरस कम संक्रामक है। इसके संक्रमण की दर कम है, लेकिन कोरोना के मुकाबले इसकी मृत्यु दर ज्यादा है और ये ज्यादा घातक भी है। इसके लक्षण की बात करें, नीपा वायरस के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखने लगते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी, मसल्स पेन, बहुत ज्यादा कमजोरी, दस्त, उल्टी, खांसी और गला खराब जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, अगर सीरियस केस है तो उसमें कन्फ्यूजन, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ना, बेहोशी आना, रेस्पिरेटरी रिलेटेड परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब यहाँ ये भी जान लें, यात्रा करने वाले पहले अपना टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप ट्रैवलर हैं तो आपको नीपा वायरस से संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर फिर भी आपको वहां जाना है तो पहले अपना टेस्ट करवा लें। अगर आप कंटोनमेंट जोन या उसके आसपास की यात्रा कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। नियमित रूप से हाथ धोते रहें, जानवरों के संपर्क में आने से बचें, ऐसी जगहों पर जाने से भी बचें जहां सुअर या चमगादड़ हो। जमीन पर गिरे कच्चे फल, फलों का रस, खजूर का रस आदि पीने से भी बचें। बता दें, फिलहाल अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए दवाओं के जरिए इसके लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ऊपर बताए नीपा वायरस के कुछ लक्षण 1-2 दिन तक दिखाई दे तो खुद को आइसोलेट कर लें और तुरंत डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर RT-PCR टेस्ट की मदद से इस वायरस की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर दें। इन्फेक्टेड व्यक्ति को अलग कमरे में रखें ताकि वायरस दूसरों तक ना पहुंचे। पेशेंट की देखभाल करते समय PPE किट का इस्तेमाल करें। अपने मन से दवाएं ना खिलाएं। पेशेंट को समय समय पर पानी पीने को कहें, ज्यादा से ज्यादा आराम करने दें। जरूरी जानकारी, WHO के मुताबिक इसका इन्फेक्शन घातक होता है। इन्फेक्शन के बाद मरीजों की मौत का खतरा 40-75% तक होता है। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी जल्दी इलाज प्रोवाइड कराया गया है, इसलिए सतर्क रहे। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।